नमस्कार, आप देख रहे हैं namofourmedia.com। आपको बता दें कि लॉकडाउन का पालन कराने के लिए झांसी पुलिस द्वारा की जा रही वाहन चेकिंग के दौरान एक कार में एक महिला 102 डिग्री बुखार से पीड़ित मिली। इस कार में 5 लोग सवार थे जो महाराष्ट्र से आकर प्रतापगढ़ की ओर जा रहे थे। फिलहाल पुलिस ने कार को अपने कब्जे में ले लिया है तथा बुखार में तप रही महिला को स्वास्थ्य विभाग की टीम को बुलाकर उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया है। कार सवारों से पूछताछ की जा रही है। इलाइट चौराहा पर पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी बीच चित्रा चौराहा की ओर एक सफेद रंग की कार आती दिखाई दी जिस पर महाराष्ट्र का नंबर अंकित था। पुलिस ने इस कार को रोका तो उसमें कुल 5 लोग सवार थे, इनमें एक वृद्ध महिला भी थी। इस महिला की तबीयत खराब देख पुलिस ने इसकी सूचना जिलाधिकारी के कंट्रोल रूम को दी। वहां से तत्काल स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया गया। इस पर डॉक्टर सतीश चंद्रा के नेतृत्व में टीम इलाइट चौराहा पर पहुंची। महिला की थर्मल स्क्रीनिंग की गई तो उसे 102 डिग्री बुखार पाया गया। इस पर एम्बुलेंस बुलाकर उसे मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। मेरा नाम डॉक्टर सतीश चंद्रा है। चंद्रा जी, अभी मरीज आया, क्या लगता है आपको? अभी कंट्रोल रूम, माननीय जिलाधिकारी महोदय कंट्रोल रूम से अभी हमारे पास सूचना आई। यहाँ पे जो सब इंस्पेक्टर तैनात थे उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र की कोई गाड़ी है और उसमें 5 लोग हैं, उसमें एक कोई बुजुर्ग माताजी हैं, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो अब मैंने अभी थर्मल स्कैनिंग की, उसमें जो है उनका टेम्परेचर जो है 102 डिग्री दिखा रहा है, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या लगता है आपको, क्या होना तो चाहिए? तो उसमें चूंकि अभी तो ऐसे कुछ कहा नहीं जा सकता, उनको मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। फिर मेडिकल कॉलेज वाले जो ओपीडी है इसके लिए निर्धारित की गई है, वो लोग डिसाइड करेंगे उसमें क्या है।